सर मेरी जुड़ी है आपकी दिलीप साहब से, उसके बारे में बताइएगा। हमने तो जब से होश संभाला है, हमने तो जब से होश संभाला है, दिलीप कुमार हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। वो हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा हमारी जिंदगी का जिस दिन हमने उन्हें याद ना किया हो। वो एक्टिंग के जनक थे, वो एक्टिंग के भीष्म पितामह थे, और दिलीप कुमार एक दिन में दिलीप कुमार नहीं हुए थे। वो अपने काम से मोहब्बत करते थे, वो काम नहीं करते थे, काम उनके लिए तपस्या था, काम उनके लिए आराधना थी, काम उनके लिए इबादत थी। पैसे के लालची नहीं थे, पैसे के लालची होते तो 250-300 फिल्में कर लेते, साल में एक फिल्म करते थे, और 75 साल के दौरान में उन्होंने सिर्फ 70 फिल्में की हैं। तो ये जाहिर है कि उन्हें अपने काम से कितनी मोहब्बत थी। आप काम से मोहब्बत करते हैं तो काम आपसे मोहब्बत करता है। उन्हीं की फिल्म का गाना है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दिलीप साहब नहीं है। जिस्मानी तौर पे सब जाते हैं, कोई भी अमृत पीकर नहीं आया, लेकिन जितनी जिंदगी उन्होंने जी, उन्होंने भरपूर जिंदगी जी। ऊपर वाला कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कसर रख देता है। उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनकी औलाद थी, पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी औलाद समझा। तो आज वो जो तनावर दरख्त था जिसके साए के नीचे पिछले 75 साल से इंडस्ट्री पनप रही थी, आज वो उस साए से हम महरूम हो गए। बस यही कहूँ। थैंक यू सर।